झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज दिल्ली से लौट आई है। यहां लौटकर उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए वहां रैली के अनुभवों को साझा किया। कल्पना ने कहा, यह मेरा पहला कदम था रामलीला मैदान में। मैं पहले कभी रामलीला मैदान नहीं गई थी। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि झारखंड की तरफ से मुझे चंपई चाचा के साथ अपनी बातों को रामलीला मैदान में रखने का मौका मिला। हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का मौका मिला। कल्पना ने आगे कहा, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने 4 साल से हमारी मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया गया, चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन सारी बातों को रखने का मुझे मौका मिला। और हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत जी ने 4 साल तक हमारे एज अ मुख्यमंत्री काम किया और किस तरीके की उनके साथ भेदभाव किया गया, चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई है, तो उन चीज़ों को साथ में अपनी महिलाओं बहनों के लिए आदिवासियों की बातों को रखने का मुझे मौका मिला, जिसके लिए मैं सौभाग्यशाली। देखिए, सबको अब 4 तारीख का इंतजार करना है, उसके बाद ही पता चलेगा कि बदलाव किस तरीके। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है और जीत का क्या। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।